हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लाइफ प्रोसेस को जानने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। यदि अगर हम चैप्टर के नाम ही को अगर सही से नहीं पढ़ पाएँ तो पूरा चैप्टर पढ़ने कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मैं पिछले 2 सालों से आप ही जैसे लड़कों को YouTube पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मेरे ही चैनल और मुझसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है, रटाऊँगा तो बिल्कुल नहीं, समझाऊँगा, एनिमेशन जितना हो वीडियो के दूँगा, और उसके बाद कुछ फ़ोटो अगर ज़रूरत है तो उसको भी यहाँ पास आपको उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको इस चैनल पर क्या क्या उपलब्ध कराऊँगा क्लास 10th के खातिर। देखिए, मैं सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब चैप्टर को पूरा पढ़ाऊँगा, जो जो मैं मतलब पढ़ाऊँगा और आपको उपलब्ध कराऊँगा उसको मैं एक बार बोर्ड पर छापने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी आपके चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको पूरा करवाऊंगा, ऑल चैप्टर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा ऑल चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे एक चैप्टर हो गया, मान लीजिए लाइव प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं क्या करवाऊँगा, एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसकी, ठीक है, क्वेश्चन की। अब तो ये तो सभी करवाते हैं, चैप्टर पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन और क्या मेरे चैनल पर खास है, मैं जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा आपको, क्वेश्चन पेपर दूंगा, और उसकी भी क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले क्या करवाऊंगा, चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और चौथा, प्रीवियस 10 ईयर के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं प्रीवियस टेन ईयर के, आपको सिंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर दूंगा, ठीक है, सिंपल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं पूरा पढ़वा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, तब थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर चाहे हम जितना पढ़ लें, अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं, सब हम मतलब ऐसा लगेगा कि भूल गए हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं अपने चैप्टर में लाइव प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, लाइव प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं, पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पर आएंगे। डेफिनेशन ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं तो डेफिनेशन लिखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। देखिए, लाइव प्रोसेस, अब प्रोसेस का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, प्रक्रिया। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ जीते जो हमारी मतलब दिनचर्या है, इसी को लाइफ कहते हैं। तो अब देखिए, पढ़ते मतलब इसको समझते हैं कि इसके डेफिनेशन हम बोर्ड में अच्छे से लिख सकें, ठीक है। और मतलब बोर्ड में तो कभी पूछा है नहीं है कि डिफाइन लाइफ प्रोसेस या डिफिनेशन लिखिए, कभी आएगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, तो थोड़ा सा इसके हम ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जितने भी चैप्टर मतलब इसके आगे जितने भी टॉपिक पढ़ें वो आसानी से हम पढ़ सकें। तो लाइफ प्रोसेस, हाँ, तो हमारे जीवित रहने के लिए जो जो प्रोसेस ज़रूरी है उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। हिंदी में इसकी होता है जैव प्रक्रम, ठीक है, जो हिंदी वाले शायद देखें तो इसका क्या है, जैव प्रक्रम होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा डिफिनेशन इसके लिखने की कोशिश करते हैं कि लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद डिफिनेशन पढ़ाते हैं। लाइफ प्रोसेस, चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस, तो डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एंड एसेंशियल
essential process required to maintain and survive life are called तो क्या कि हमारे जीवित रहने के लिए जो जो हमारा प्रोसेस जरूरी है उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एंड असेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सर्वाइव द लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे जीवित रहने के लिए जो जो जरूरी प्रोसेस है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब वो कौन से प्रोसेस हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर हम उसे यहाँ पास लिखने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अगर एग्जांपल देखें कि लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल सबसे पहला हम लिखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दूसरा हम लिखेंगे इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तीसरा है इसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। और चौथा है एक्सक्रीशन। चौथा क्या है, एक्सक्रीशन। अब देखिए जो हम डेफिनेशन पढ़े हैं क्या एग्जांपल उस पर लागू होता है उसको देखते हैं। देखिए न्यूट्रिशन हिंदी में लिख दो क्या, चलिए ठीक है हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक होता है। जरूरी नहीं कि आप हिंदी रटें, अगर समझने के लिए देख सकते हैं पोषक। उसके बाद रेस्पिरेशन का है श्वसन, और ट्रांसपिरेशन का है वाहन तंत्र या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है वाहन तंत्र। और एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन तब देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम खाते हैं उसको बाद जो हमारे मतलब एनर्जी मिलती है उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम शायद जीवित नहीं रह पाएंगे, शायद क्या जीवित रहेंगे ही नहीं। न्यूट्रिशन अगर हम नहीं लेंगे तो सीधा हम ऊपर चलेंगे, अलग प्यारे हो जाएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, जैसे हम कुछ न्यूट्रिएंट्स खाएं अगर उसका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, अगर जैसे कहीं हमारे बॉडी पर लग गया कुछ चीज़, शायद चोट लग गई, तो वहाँ तक हमारे जो न्यूट्रिएंट्स उस बॉडी को मतलब पूरा करने के लिए, अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो हम वहाँ भी क्या होंगे, मर जाएंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, अब हम खाते गए रेस्पिरेशन भी करते गए, हमारे लिए शरीर में हर जगह सब न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, एक्सक्रीशन उत्सर्जन मतलब उसको बाहर निकालना, जो सुबह जाते हो आप लोग, अगर वही नहीं होगा तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन हमारे लिए ज़रूरी हैं, और पूरे चैप्टर में हम यही चार पॉइंट है जो ये इस चैप्टर में है, बस चार पॉइंट अगर पढ़ लिए तो ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, शायद एमसीक्यू में आ जाए एक नंबर का, कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है कि नहीं। ये चार तो मैं लिखा दिया हूँ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं ये लाइफ प्रोसेस है कि नहीं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या नहीं है। देखिए मैं लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन, देखिए अब जितने भी एग्जांपल हम लेंगे वो सब हमारे डेफिनेशन पर लागू होना चाहिए। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि हमारे जीवित रहने के लिए जो जो प्रोसेस जरूरी है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उसी अब यहाँ पर देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है तब भी जीवित है, अगर नहीं कर रहा है तब भी तो जीवित है ना। तो ये जरूरी नहीं कि अगर हम नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो शायद मर जाएंगे। तो जो जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो भी जीवित है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो भी जीवित है। अभी आप रिप्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं हाँ, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, शादी होने के बाद शायद रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब जीवित है ना, तो इसलिए ये जो लाइव प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं है, लाइव प्रोसेस ये नहीं है, लाइव
लाइव प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। शायद एमसीक्यू में आ जाए इसलिए मैं बता दिया, एक नंबर कट जाएगा ये नहीं पता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये कैरेक्टरिस्ट है लेकिन लाइव प्रोसेस नहीं है। अब ये कैरेक्टरिस्ट क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो लिखा है, पहली लाइन में यही लिखा है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, कौन जीवित है कौन नहीं जीवित, ठीक है। तो देखिए, अब इसको थोड़ा रफ करके मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसको पढ़ने के बाद हम पता कर लेंगे कौन से लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको आप अपने दोस्त का नाम समझ सकते हैं या सहेली का नाम समझ सकते हैं, कोई भी नाम, मतलब उसको आप याद कर लेंगे तो जितना भी मैं अभी कैरेक्टर बताऊँगा उससे को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन से लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो ट्रिक है मिसेस ग्रेन, ट्रिक क्या है मिसेस ग्रेन, बस केवल आपको इसी पर इसको याद करना है बस, मिसेस ग्रेन। अब आप इसको किसी भी नाम लेकर भी याद कर सकते हैं, मिसेस ग्रेन। अब देखिए, अब इसके करेक्टर कैसे बनाएंगे, एम से क्या होता है, एम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट। एस फॉर क्या होगा, पहले आर देखते हैं, रेस्पिरेशन। S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, E for excretion और N for nutrition। शॉर्ट फॉर्म जितनी थी सभी को लिख दिया हूँ, क्या याद करना है हमें, मिसेस ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आपका मिसेस ग्रेन। तो एम फॉर क्या लिखा, मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट होगा, जो हमें चल फिर दिखे या जिसमें मूवमेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दूसरा क्या है, जिसमें रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन करता है तो उसे क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। और तीसरा है इसका सेंसिटिविटी, जो छूकर मतलब वो सेंस करता हो, उसको छुएं तो वो पता कर ले गर्म है या ठंडा है, ठीक है, या उसका इंटरनल वो पता कर सेंस कर ले कि, तभी उसको क्या कहेंगे हम, सेंसिटिविटी कहेंगे। जी फॉर ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग। उसी प्रकार रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन दो ऐसे चीज़ हैं जो हमें मतलब थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं, एक पहला क्या है, एक है मूवमेंट, दूसरा ग्रोथ। ये थोड़ा कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं कि कोई कोई ऐसे मतलब आपको दिखेंगे जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं तो मूवमेंट नहीं शो करते हैं, हमें तो दिखता नहीं लेकिन वो अंदर से करते हैं, और जो जो ओल्ड मैन हो जाते हैं उसमें ग्रोथ नहीं होती है, कुछ समय के बाद क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको समझेंगे कैसे, तो एक कहानी बताता हूँ। तो हम जैसे पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर बताएं कि मूवमेंट और ग्रोथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनसे पूछे कि जो ओल्ड मैन होते हैं तो वो तो ग्रोथ उनका नहीं होते है, या पेड़ पौधे जो होते हैं उनका भी क्या मूवमेंट नहीं करते, तो ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। तो पूछे कि जाना घर में पूछना, तो हम गए अपने आजी के पास, तो बैठे थे, तो हम कहा आजी, तो बोला क्या,
तो उसके बाद बोले कि अजी आप तो मर गई। बात क्या हम कहो आप तो मर गई। कहा कहा दे यार की इधर उधर बात करा था। तो हम कहो देखो हमारे आज हम बायोलॉजी पढ़ के आवा है, हमारे सर बताए नहीं कि अगर जिसमें मूवमेंट ना हो और जिसमें ग्रोथ ना हो तो क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं। तो उसी प्रकार आप तो दिन भर खटिया में बैठी रहती हैं और आप ना बढ़ते उड़ते कुछ है ही नहीं, तो आप तो मर गई। तो भैया हमका गाड़ी तो पड़ी और साथ साथ हमें टीचरों को पड़ी। तो इससे हमका ये सीखने को मिलता है कि मूवमेंट और ग्रोथ जरूरी नहीं है कि हमें मतलब दिखबे करे, ठीक है। तो अगर वो जरूरी नहीं कि हमें दिखे, वो अंदर से हो रहा है ना मूवमेंट, अब पेड़ पौधे में हमें दिख नहीं रहा लेकिन उसके अंदर हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्ट कहेंगे। और ग्रोथ को भी हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यही पास समाप्त करते हैं। तो कमेंट कर बताओ यार कि वीडियो आज की कैसे बनी, अभी तो ये इंट्रोडक्शन केवल था, इसी तरह हम मज़ेदार तरीके से बायोलॉजी को पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैं देखिए मैं आप लोगों को सबको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊँगा और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर भी दूँगा। तो यार इतना सब दूँगा तो क्या मतलब अच्छा रहेगा ना, तो पढ़ाई अच्छे तरीके से होगी। तो हमारे साथ जुड़िए यार, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और हंसते खुशते अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए। चलिए इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।